फरीदाबाद के प्रिथला विधानसभा से विधायक नयनपाल राउत ने आज क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए गांव नगला जोगियार में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीकरी से ध्वज रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। साथ ही विधायक नयनपाल राउत ने लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बारात घर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक नयनपाल राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मेरे मन में कसक थी आज वह कसक पूरी होती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष साहब, आप पहुंचे हैं आज और बड़ी सौगात दी है, 21 करोड़ की लागत से सड़क बनने वाली है, इसके साथ साथ क्या कुछ है, कितना फायदा इसको जो है वो मिलने वाला है? तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई, इसके बाद इसका फाइनल एस्टिमेट 21.5 करोड़ का हुआ और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी और इसमें जगह जगह जहां पानी ठहरता था, जहां सड़क टूटती थी वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीकरी से नगला जोगियान तक, ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टिमेट चेंज हुए और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी सेवाकाल है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास है और इसमें हमारे PS2 CM जो माननीय खुल्लर साहब हैं उनकी विशेष भूमिका रही कि नाबार्ड की 7 से 8 सड़कों में से केवल एक अगली सड़क ये मेरी पास करके दी थी और जब भी इसका टेंडर प्रोसेस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इसका टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया को मेरे सामने मेरे साथ शेयर किया और जितना भी मैं कोशिश कर सकता था। लेकिन एक चीज़ है, जैसे सीकरी से प्याला वाली सड़क बनी है, सीकरी से हरफला मोहला वाली सड़क बन रही है, वो सभी सीमेंटेड हैं। देर आने के बाद दुरुस्त काम हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज सीकरी से प्याला की सीमेंटेड 10.5 करोड़ रुपए से ऐसी सड़क बनी।